पिछले कई दिनों से चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान लोगों को जहां एक ओर बारिश से राहत मिली तो वहीं दूसरी ओर लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं और जो निकल रहे हैं पूरे एहतियात के साथ। बीच बीच में बारिश होने के कारण लोग बारिश के पानी से भीगने से बचने के लिए जहाँ भी सर छुपाने को मिल रहा है वहाँ छुपते नजर आए। लगातार बारिश होने की वजह से नगर निगम की तैयारियों की पोल खुलती दिखी। जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर शहर के तमाम गली मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। चाहे जिला अस्पताल हो या जिलाधिकारी कार्यालय में जल जमाव होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे भीगते हुए स्कूल जा रहे हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश से शास्त्री चौक स्थित BSNL कार्यालय परिसर में पुराना इमली का पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से परिसर में बने टीन शेड गिर गए। वहीं RTO कार्यालय से PWD कार्यालय होते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ मुड़ने पर ठीक दाहिने तरफ मेन रोड पर सूखा पेड़ किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। इसी प्रकार कई जर्जर पेड़ शहर के कई जगहों पर मौजूद हैं, जिस ओर जिम्मेदारों की उदासीनता किसी बड़े घटना होने के इंतजार में है। आगामी मौसम के बारे में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र के मनोज कुमार जायसवाल ने गोरखपुर न्यूज़ को बताया कि मंगलवार को रिकॉर्ड बारिश दर्ज किया गया। ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम के अनुसार मंगलवार को दिन भर लगभग 113.6 mm बारिश रिकॉर्ड किया गया। वहीं बुधवार को रुक रुक कर शाम तक 30.7 mm बारिश दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर भी बढ़ने लगा है। गोरखपुर क्षेत्र और आसपास की नदियों में घाघरा, राप्ती, रोहिन और कुआनो नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर कम है और यदि लगातार इसी तरह बारिश होती रही तो बाढ़ का खतरा भी उत्पन्न हो जाएगा। गोरखपुर यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर के द्वारा संचालित क्लाइमेट सेल का डेली का रिपोर्ट है, जहाँ पर हम लोग आज की दिनांक यानी वर्तमान के दिनांक का प्लस बीते हुए कल का और आने वाले कल का हम लोग फोरकास्ट भी करते हैं। ये फोरकास्ट के अनुसार जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आने वाले समय में कल के आज से और कल के दिनों मिला के 35.6 mm वर्षा होने की संभावना है जनपद में और तहसील स्तर पर भी, और इसकी संभावना 50% तक बन रही है। उससे कम भी हो सकता है वर्षा, इससे अधिक भी थोड़ी हो सकती है और मैक्सिमम
मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और जबकि मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री रहने की संभावना है और मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 97% और मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 92%। विंड स्पीड 28% रहने की संभावना है और डोमिनेटेड विंड डायरेक्शन वेस्ट साइड का हो सकता है और हैवी रेनफॉल की फोरकास्ट है। और आज के वर्तमान का जो हमारा तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, AWS जो हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है उसके अनुसार 94% ह्यूमिडिटी रिलेटिव है मैक्सिमम, जबकि IMD के तापमान के अनुसार आज का तापमान मिनिमम है 27.4 और मैक्सिमम 27.4, मिनिमम 27.4 और जो उनका मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 87% और मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90%। और अभी तक हमारे AWS यानी कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के अनुसार आज के दिन में 8:30 बजे से लेकर अब तक 30.7 mm वर्षा हो चुकी है और ये बीते हुए कल का वर्षा का और तापमान का रिकॉर्ड है। AWS के अनुसार 113.6 mm वर्षा हुई है जबकि IMD के अनुसार 125.0 mm वर्षा हुई है, जबकि AWS के अनुसार मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि और IMD के अनुसार 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा। काफ़ी समानता है दोनों में, मिनिमम में हमारा टेम्परेचर AWS के अकॉर्डिंग 29.0 डिग्री सेल्सियस जबकि IMD के अकॉर्डिंग 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार नदी का जल स्तर भी दैनिक हम लोग यहाँ पे विवरण अंकित करते हैं। आज की दिनांक में जो सूचना प्राप्त हुई है बेसिकली हमें घाघरा, राप्ती, रोहिन और कुआनो नदी के सब स्टेशन अयोध्या, तुर्तीपार, बर्डघाट, किनवानी और मुखलिसपुर से गोरखपुर में जो जनपद में बाढ़ आने की संभावना रहती है यहाँ की मीटर गेज यानी नदी का जल स्तर हम लोग लेते हैं। अयोध्या नदी का जो घाघरा पुल पर अयोध्या नदी का वो जो खतरे का बिंदु है 92.73 मीटर है जबकि घाघरा नदी का ही तुर्तीपार में 64.01 मीटर का है और बर्डघाट राप्ती नदी का बर्डघाट सब स्टेशन पर 74.98 मीटर जबकि रोहिन नदी का त्रिमोहानी घाट पर 82.44 मीटर, कुआनो नदी का मुखलिसपुर में 78.65 मीटर खतरे का बिंदु है। इसके जहां भी खतरे से बिंदु के ऊपर होता है तो बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज का जो जल स्तर है घाघरा नदी का यानी अयोध्या पुल पे 90.90 मीटर यानी कि चढ़ाव पे, नदी अभी चढ़ाव पे है। घाघरा का तुर्ती पार का 61.06 मीटर ये भी नदी चढ़ाव पे है बीते दिनों की अपेक्षा। राप्ती नदी का बर्डघाट स्टेशन पे जो है 70.83 मीटर ये भी नदी चढ़ाव पे है बीते दिनों की अपेक्षा। रोहिन नदी का त्रिमुहानी घाट का जो है स्टेटस वो है 77.5 मीटर वो भी चढ़ाव पे है और कुआनो नदी का मुखलिसपुर का जो स्टेटस है वो 74.8 मीटर ये भी चढ़ाव पे है। यानी कि नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है आने वाले दिनों में अगर इसी तरह वर्षा होती रही और जैसा कि जलस्तर बढ़ता रहा तो बाढ़ की थोड़ी संभावनाएँ बढ़ सकती हैं।